स्टूडेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डिस्प्ले किया है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है, बहुत ही सिंपल जवाब है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। आपने एक बार भी अगर सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो आपको ये जवाब आ जाएगा इसका, ओके। कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं, जो आपके मन में है वो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी कमेंट आपका मुझे दिख पाएगा, है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके सॉलिड स्टेट के ऊपर, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने बताया रोटेशनल मोशन का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बनाओ, ऑसिलेशन पे बनाओ, सॉलिड स्टेट पे बनाओ, ठीक है, वेक्टर्स पे बनाओ। कुछ बच्चों ने जवाब दिया भैया प्लीज मिक्स बनाओ, एक दिन फिजिक्स बनाओ, एक दिन केमिस्ट्री बनाओ, एक दिन मैथ्स बनाओ। मुझे वो प्रैक्टिस बहुत सही लगी, ठीक है। तो आज केमिस्ट्री डे है, केमिस्ट्री डे में आज का पहला चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट, ठीक है। जिन्होंने अभी तक रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा प्लीज जाके पढ़ लेना, ठीक है। उतना पढ़ लेने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उतने टॉपिक सिर्फ आपको रेफर कर लेने, ओके। बात करते हैं सॉलिड स्टेट के ऊपर। सॉलिड स्टेट के अगर मैं एमएसटी सीईटी के वेटेज की बात करूं तो इसके आपके दो क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन आप मतलब आप कंसीडर कर सकते हो। 4% वेटेज आपका एमएसटी सीईटी के एग्जाम में बनता है, ओके। अगर 4% किसी सब्जेक्ट किसी चैप्टर का वेटेज बन रहा है तो मतलब वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसीडर होगा आपका, ठीक है। 4, 5, 6, 7% वाले जो चैप्टर्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया होगा प्लीज जल्द से जल्द कर लेना, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स है वो बहुत डिटेल में वहां पे मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वो सेम क्रैश कोर्स पढ़ के सीओईपीजीटी कॉलेजेस में न्यूटन एडुकेटर्स के हर साल स्टूडेंट गए, ठीक है। आप भी जाओगे इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। बात करते हैं उसके बारे में, पहले तो हम पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करूं, इतने टॉपिक्स अगर पढ़ लिए तो मैं गारंटी देता हूं आपका सॉलिड स्टेट में एक भी सवाल नहीं अटकेगा, एक भी सवाल नहीं अटकेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दो टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन मतलब आपके क्रिस्टल के फॉर्म में, अमॉर्फस मतलब पाउडर फॉर्म में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका आपका आता है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद एफसीसी बीसीसी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके नंबर ऑफ एटम्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं नीचे नीचे बता रहा हूं, लेकिन आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, ओके। जो बच्चे क्रैश कोर्स में उनको मैंने बताया है, ये सारे नोट्स उनको दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बीसीसी और एफसीसी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बॉडी सेंटर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, ठीक है। बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, वॉल्यूम कितना होता है, वॉइड्स कितने होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स आपको एफसीसी में पता होने चाहिए, बीसीसी में पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, रेडियस एंड ए क्या है आपका, साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, या फिर साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। आपको उसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर एक क्यूब है, क्यूब में क्या होता है आपके 8 जो कॉर्नर होते हैं उनको स्फेरिकल फॉर्म में एटम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी के सेंटर में एटम होता है, उसके बाद फेस के सेंटर में एटम होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो क्यूब है उसके अगर साइड की लेंथ अगर ए है और रेडियस स्पीयर का अगर आर है तो आर और ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है। नेक्स्ट चीज के ऊपर बात कर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, पैकिंग इफिशियंसी पता होनी चाहिए, बीसीसी की, एफसीसी की, सिंपल क्यूबिक सेल की, ठीक है। उसके बाद साइज एंड नंबर ऑफ वॉइड्स, आपको नंबर ऑफ वॉइड्स पता होने चाहिए सिंपल क्यूबिक सेल में, एफसीसी में और बीसीसी में, ठीक है। उनकी साइज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बार सीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपके पास डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इंप्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है, बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, सारे मैंने कवर किए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं है उन बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है आपकी, कहा गया यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपको कंडक्टर की पता होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर की पता होनी चाहिए, इंसुलेटर की पता होनी चाहिए। लास्ट 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। इंसुलेटर की आपको लास्ट साल पूछी गई थी, उससे पहले सेमीकंडक्टर की पूछी गई थी। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको पता होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये फिजिक्स का टॉपिक है, नहीं, केमिस्ट्री में भी आपके पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, एंटी फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज से दो दो लाइन आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट, कंप्लीट आपका चैप्टर हो जाएगा। ये 10 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए मैं गारंटी देता हूं सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। इससे बाहर नहीं आता क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया इससे बाहर। वॉल्यूम डेंसिटी आपको पता होना चाहिए सिर्फ हर एक चीज की, ठीक है। एक बात, एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार आता है, ठीक है। मतलब अगर 2007 में आया है तो 2009-10 में आ गया है, 2012-13 में आ गया है, 2016-17 में आ गया है, 2022 में आ गया है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा है ना कि आप देख के बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए स्पेस भी जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड। आपको यह पता होना चाहिए एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते, 4 नंबर ऑफ एटम्स होते, तो एक स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है,
फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आपने पास, फोर इंटू फोर करेंगे कितना आया, सिक्सटीन बाय थ्री पाई आर क्यूब, आ गया आंसर ऑप्शन सी। सिंपल था क्वेश्चन, बहुत सिंपल, ठीक है। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं सॉलिड स्टेट के, सॉलिड स्टेट के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। जो जो क्वेश्चन आते, जो जो क्वेश्चन आए आज तक, सारे के सारे क्रैश कोर्स में कवर्ड है। आपको क्रैश कोर्स के बारे में एक बार बता देना चाहता हूं मैं, ठीक है। ये ऐसा क्रैश कोर्स है जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे फॉर्मुलाज आपको करवाए, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मुला शीट प्रोवाइड किए, उसके बाद पीवाई क्यू सॉल्व किए, एटलीस्ट 1500 से भी ज्यादा पीवाई क्यू सॉल्व किए पूरे सिलेबस में, ठीक है, 1500 पीवाई क्यूज, ओके। उसके बाद 20 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलने वाली है सिर्फ क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन होते हैं, 3000 क्वेश्चन ये और वो 1500 क्वेश्चन, 4500 क्वेश्चन आपके मैं सॉल्व कराने वाला हूं। मतलब 3000 जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के, उसकी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। वही मॉक टेस्ट आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा लो, लेकिन वही मॉक टेस्ट लगाना जहां पे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हो, ठीक है। उसके बाद सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे, मैं डिस्कस करूंगा, मैम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके उन्होंने उनके टाइम पे क्या क्या चीजें फॉलो की, सारी स्ट्रेटेजीज वहां पे डिस्कस होगी, ठीक है। रिवीजन में कराने वाला हूं, ओके। बात करते हैं अभी नेक्स्ट चीज के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ पीवाईक्यू सारे मैं वहीं पे डालने वाला हूं, तो मिस मत करना। और कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हो इसीलिए, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आज के क्वेश्चन को कमेंट जरूर करना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। थोड़ा भी पढ़ा है ना, थोड़ा जोर दो दिमाग के ऊपर कि क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, बेसिक चीज है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर।